My name is Ranjit and today I will tell you about टिकट. टिकट किस चीज़ की? रेलवे टिकट. अगर आप लाइक कहीं जाना चाहते हैं और आप लाइक रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहते टिकट बुक कराने के लिए, तो मैं बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन कैसे आप टिकट बुक करा सकते हैं. एक ऐप है जिसका नाम है IRCTC. उस ऐप को आप फ्री में प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और क्लिक करिए इस ऐप के ऊपर. तो दो चीज़ें आएंगी, एक आता है IRCTC कनेक्ट और एक आता है, मतलब एक ट्रेन के लिए आता है, कैटरिंग के लिए कि भोजनालय के लिए. भोजन भी आप इसे आसानी से, आप ट्रेन में अवेलेबल है, आप आसानी से मंगा सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि इससे आप आसानी से कैसे आप टिकट बुक करा सकते हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन जैसे आप लाइक फेसबुक, ट्विटर, गूगल, पिंटरेस्ट में आप अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा. जैसे आप जीमेल की आईडी बनाते हैं सेम वैसे ही. इसके लिए आपके पास एक फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी होनी चाहिए जिसके लिए कंफर्मेशन मांगता है. वंस यू हैव क्रिएटेड, लाइक आपने रजिस्टर कर लिया है, तो आपको क्या मिलेगा? एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा. अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन लाइक IRCTC से अकाउंट, तो मैं आपको बता दूंगा अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो. बाकी बहुत इजी है, कोई रिस्क मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है. अगर फेसबुक जीमेल आईडी आप चला रहे हो, आप लॉगिन करेंगे इसमें. लॉगिन करके देखते हैं कि कैसा इसका यूज़र इंटरफेस है और क्या आपसे ये मांगता है और क्या कहता है. तो ये आप देख रहे होंगे कि न्यू बुकिंग आ रहा है. मैं पहले आपको इसका यूज़र इंटरफेस दिखा रहा हूँ. जैसे देखिए, रंजीत शाह ईमेल आईडी आ रही है, ranjitshah786@gmail.com. ठीक है जी. न्यू बुकिंग, माई बुकिंग, कैंसिल, TDR रिक्वेस्ट, माई अकाउंट. माई अकाउंट का मतलब और भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हो या फिर देख सकते हो. लाइक दिस देख रहे हो, चेंज प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड. ठीक है, पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हो. मोर में आप जाएंगे तो मोर में आपका कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस का पेज आता है. लेकिन जो काम की चीज़ें हैं बस दो हैं, एक न्यू बुकिंग और एक माई बुकिंग. माई बुकिंग में वो चीज़ होती है कि जो आपने बुक किया हो तो आप देख सकते हैं कि ओहो शिट. जस्ट वेट. तो माई बुकिंग क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपकी बुकिंग क्या हो रखी है. जैसे अभी देखिए, एक बुकिंग ये मेरी हो रखी है, तीन बुकिंग. तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें से कितनी टिकट आपने बुक करी है. ठीक है, तो ये है माई बुकिंग्स. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप टिकट कैसे बुक करेंगे. सपोज़ आप चलते हैं न्यू बुकिंग की तरफ. ये क्या होता है कि आप लाइक कहाँ से टिकट बुक कराना चाहते हैं. सपोज़ करिए आप NDL, मतलब नई दिल्ली से टिकट बुक कराना चाहते हैं. कहाँ के लिए? सपोज़ हो सकता है गोवा, राजस्थान, मुंबई, कहीं भी आप. लेकिन मेरा जो है भटनी है, UP में पड़ता है ये, तो मैं वहाँ के लिए बुक कराना चाहता हूँ. कितने तारीख को करवाना चाहता हूँ? सपोज़ मैं 22 तारीख को करवाना चाहता हूँ. कोटा जर्नल. ठीक है, सर्च करेगा ये ट्रेन. तो सर्च करके ये ट्रेन बता रहा है आपको कि अवध असम, लिच्छवी एक्सप्रेस और पुरबिया एक्सप्रेस. तो ये कुछ ट्रेन हैं. अगर आपको पहले आप देख लीजिए कि किस ट्रेन में खाली है, कि 10-15 या फिर कितने दिनों में मिल जाएगा. बट आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको बता देगा कि आपको क्या चाहिए. टू मतलब AC चाहिए, स्लीपर चाहिए. तो स्लीपर पर क्लिक कीजिए. स्लीपर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आपको कि 22 तारीख को 49 वेटिंग है, 23 को इतना है, 28 को इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है. तो अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार 5-6 दिन में कंफर्म हो जाएगी टिकट, तो आप जब ही कीजिए. अगर आप जानना चाहते हैं कन्फर्म होगी नहीं होगी, तो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था कन्फर्म टिकट के नाम से, बहुत बेस्ट है. अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपको जानना है कि ये टिकट कन्फर्म हो पाएगी नहीं, वो ऐप एग्जैक्ट आपको बता देता है कि आपको करवाना चाहिए कि नहीं, चांसेस हैं कि नहीं. तो प्लीज़ अगर आप वेटिंग करवा रहे हैं तो उस ऐप का सहारा ज़रूर लें. अब हम कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, तो इस पे क्या करेंगे? क्लिक. तो आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड ट्रेन्स फॉर न्यू दिल्ली. जो हमने करा था कि न्यू दिल्ली से था टू भटनी, बट यू हैव बुकिंग ए ट्रेन बिटवीन आनंद विहार टू भटनी. क्योंकि ये जो लिच्छवी ट्रेन है वो नई दिल्ली से ना जाके आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जाती है. तो आपको ये नोटिफाई करता है कि जो आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हो नई दिल्ली से ना जाके आनंद विहार से जाती है. तो आप इसको करेंगे यस. यस जैसे ही करेंगे तो आपको ये जो भी पैसेंजर जाएगा उसकी लाइक ऐड करने के लिए मांगता है डिटेल्स. सपोज़ आप उसमें अपना नाम डालेंगे,
ठीक है सर, नाम डालेंगे, आप एज डालेंगे, सपोज मेरी जो एज है 23, लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए, साइड बर्थ चाहिए, जो भी आपको बर्थ चाहिए वो आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे करिए डन। डन करने के बाद ये आ गया, यहाँ पे आपका पैसेंजर नेम आ चुका है, आप रंजीत 23 साल के हैं, मेल हैं, और ये है आपका मतलब अपर बर्थ आपको चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप बुक कीजिए। कैलकुलेटिंग फेयर कर रहा है, आपको बताएगा कि आपका कितना किराया लगेगा टोटल वहाँ जाने का। तो देख रहे हैं, ये आ गया कि 4006 लिच्छवी एक्सप्रेस आनंद विहार टू भटनी 15:10, यानी 3:10 पर चलेगी और 10 बजे सुबह छोड़ देगी। बोर्डिंग कहाँ से? आनंद विहार से 22 तारीख को है। जो वेटिंग है वो 59 है। टिकट का जो रेट है वो है 435, यानी 435 रुपये है। जो IRCTC के चार्जेस लगेंगे 22 रुपये, और कुछ इंक्लूड होते हैं अलग से चार्जेस। आपको ये कोड डालना पड़ेगा, Z3OHW8, ठीक है सर। अब जैसे ही, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, मोबिक्विक। मोबिक्विक से क्या है कि अगर आप मोबिक्विक से करते हो तो क्या होता है कि मोबिक्विक बहुत सारे डिस्काउंट देता रहता है, यानी अगर आप पेमेंट करेंगे तो 10% 15% आपको कैशबैक भी मिलता है। तो अगर आप मोबिक्विक पे आपका अकाउंट हो तो इजी रहता है कि कुछ ना कुछ तो यार 40-50 रुपये का फ़ायदा आपका हो जाएगा। अदर पेमेंट ऑप्शन आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी इसमें मान लीजिए अकाउंट नहीं है, तो सपोज मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दूंगा मेक ए पेमेंट। अब देख रहे हैं इनवैलिड कैप्चा, यानी जो मैंने ये चीज़ डाली हुई थी वो गलत डाली हुई, इसलिए मुझे दोबारा इसको फिल करना पड़ेगा। करते हैं, देखिए अभी आपसे पेमेंट मांग रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अमेरिकन एक्सप्रेस है, मास्टर वीज़ा कार्ड, वीज़ा कार्ड जो भी है, क्रेडिट कार्ड के लिए बोलता है, डेबिट कार्ड के लिए जाइए। अगर आपके डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जूम करते हैं, जूम करके देखेंगे तो ये आता है, देखिए फॉर ईच ऑनलाइन पेमेंट फॉर IRCTC टिकट बुकिंग सर्विसेज चार्जेस 10 रुपये, यानी 22 रुपये, 10 रुपये, यानी 32 रुपये कुछ पैसे हो गए आपके जो चार्जेस लगते हैं। तो डेबिट कार्ड है यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, कंटिन्यू करेगा ये प्रोसेस। अब आप देख रहे होंगे ये कह रहा है कि योर मोबाइल के लिए SMS अलर्ट होना चाहिए, और ये आ गया आपको कुल जो पैसे कटेंगे अमाउंट, वो कटेगा 469 रुपये 35 पैसे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 435 रुपये था लेकिन 69 रुपये हो गया, दैट मीन्स 35 रुपये समथिंग आपके एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका कार्ड का नंबर हो ये दे दीजिए, कार्ड का डे बर्थ, कार्ड का होल्डर का नंबर, पिन कोड नंबर, और ये वाला सबमिट कर देंगे, वन वे में आपका टिकट बुक हो जाएगा। बस सिंपल है, और कुछ नहीं है, टिकट बुक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे जाइए माई बुकिंग पे, देखिए कि आपकी टिकट बुक हो गई है कि नहीं हुई है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक जिसको नहीं आती है टिकट उसको ज़रूर बताएं, बहुत ही अच्छा है। किसी के पास टाइम ना हो तो अपना ऑनलाइन वन वे में अपना स्मार्टफोन के जरिए अपना बुक कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।